नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, आज अपना अंतिम ये पार्ट है टॉपिक का, राजस्थान में उद्योग का। छोटे छोटे टॉपिकों में हमने इसको सरल तरीके से पढ़ लिया है और इसको अगर आप बार बार पढ़ेंगे, एक या दो बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से कभी नहीं भूलेंगे। सबसे टफ टॉपिक था लेकिन इसको सब आसान किया गया है इसको पूरी तरह से, और अगर आप इनको समझे तो मैंने बाकायदा नक्शे द्वारा बताया आपको। ये छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा हुआ, इसको भी हम नक्शे द्वारा पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये लीजिए राजस्थान का नक्शा, प्रश्न है रासायनिक उद्योग पर। रासायनिक उद्योग मतलब जब खाद वगैरह होते हैं ना अपने खेतों में डालते हैं, उससे संबंधित है। राजस्थान में राष्ट्रीय मतलब केंद्र सरकार का केमिकल एंड फर्टिलाइजर यानी केंद्र सरकार का ये का नाम से कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये DAP खाद कह सकते हैं। DAP खाद और यूरिया खाद में अंतर है। ये कहाँ स्थापित है, तो ये कपासन चित्तौड़गढ़ में। कपासन सीधा कहूँ मैं कि अपने राजस्थान में DAP खाद बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है कहाँ, तो कपासन है कहाँ, तो कपासन चित्तौड़गढ़ में है कपासन, वहाँ पर DAP खाद बनाने का कारखाना है। और ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, जो देवाड़ी मैंने बताया था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसने स्थापित किया है ये कारखाना, उसके सहयोग से। श्रीराम फर्टिलाइजर, श्रीराम के नाम से प्रसिद्ध है यूरिया खाद बनाने का कारखाना, ये ध्यान रहे, कोटा में श्रीराम फर्टिलाइजर है। यूरिया खाद बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो कोटा में। चंबल फर्टिलाइजर यूरिया, ये गड्ढेपान में है, गड्ढेपान है कोटा में ही है, कोटा में है गड्ढेपान, यहाँ पर कोटा है। तो ये गैस आधारित है, पूछ रहे हैं गैस आधारित यूरिया खाद बनाने का कारखाना कहाँ है, गैस आधारित पूछें तो आपको बताना गड्ढेपान कोटा, गैस आधारित यूरिया खाद बनाने कारखाने का नाम क्या है, तो चंबल फर्टिलाइजर है, न कि श्रीराम फर्टिलाइजर, ठीक है ना। पूछ लें टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ है, ये JK टायर ट्यूब पाते हैं, JK के ये राज्य का प्रथम टायर ट्यूब बनाने का कारखाना भी, ध्यान रहे, तो कांकरोली में, कहाँ पर है कांकरोली, कहाँ है कांकरोली, तो कांकरोली है राजसमंद में, कहाँ पर है राजसमंद में है कांकरोली। राज्य का प्रथम टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, कांकरोली राजसमंद में, क्या नाम से JK टायर ट्यूब के नाम से। दूसरा अलवर में स्थापित हुआ, अलवर में टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है। और श्री राम रेंज टायर ट्यूब, ये श्री राम का नाम आते ही ये तो आप कोटा चले जाना, ध्यान रहे कहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ विभीषण का मंदिर भी है। कोटा में श्री राम रेंज टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है, ये तीन बताए हैं। तो प्रथम पूछते हैं ज़्यादातर ये पूछते हैं टायर ट्यूब बनाने का प्रथम कारखाना है, टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है, आपको कांकरोली बताना आपको, ठीक है ना। और अब तो अलवर में भी स्थापित हो गया है, तो इस प्रकार से ये रासायनिक उद्योग और टायर ट्यूब बनाने का कारखाने संबंधित हो गया। अब बात करेंगे अपने इंजीनियरिंग उद्योग की। अब देखिए जो अंतिम पार्ट चल रहा है अच्छा है, उसमें सबसे जो मोस्ट है वो है सीरी, बहुत बार आता है सीरी के बारे में। सीरी है ये ऐसी तरह पूछ रही थी, सीरी कहाँ है, कई बार आ चुका टीचर्स भर्ती में, बीएड में और पुलिस में। सीरी, सी का मतलब सेंटर, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, अगले ई का मतलब है यहाँ पर देखिए सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसका हिंदी में बात करें तो सी का केंट, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, ई का इलेक्ट्रॉनिक यानी कि विद्युत से संबंधित हो गया, ई का इंजीनियरिंग वो अभियांत्रिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ध्यान रहे ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी संस्थान है, ये कहाँ है, तो ये पिलानी में, कहाँ पर है पिलानी कहाँ पर है, झुंझुनू में, कहाँ पर है पिलानी में। ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना बताया था मैंने, आप बिट्स भी पूछे ना, बिट्स कई बार पूछ रहे थे बिट्स कहाँ है, बिट्स वो एक इंजीनियरिंग करवाने के एक बहुत बड़ी संस्थान है, कहें तो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय कह सकते हैं उसको, बिट्स प्राइवेट संस्थान है। तो बिट्स भी पिलानी में है और सीरी भी पिलानी में है, ये ध्यान रख लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और झुंझुनू में है पिलानी प्रोस्पेयर संस्थान अर्थात रमकड़ा उद्योग पूछे आपसे, तो ये मांडो की पोल डूंगरपुर में है भाई, मांडो की पोल
मांडव की पोल क्यों प्रसिद्ध है? तो रमगड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, डूंगरपुर में, ठीक है, डूंगरपुर में रमगड़ा उद्योग के लिए मांडव की पोल प्रसिद्ध है। अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड क्या है? अशोक लेलैंड का मतलब आपने ट्रक वगैरह देखे हैं, ट्रक है, बस है, ये कंपनी है, जैसे टाटा के ट्रक आते हैं, टाटा के बसें वगैरह आती हैं, ऐसे अशोक लेलैंड की, लेलैंड कंपनी के भी ट्रक वगैरह बस वगैरह आते हैं। ये कारखाना अपने राजस्थान में अलवर में है। पूछे अशोक लेलैंड और अशोक लेलैंड ट्रक बसें वगैरह जो बनती हैं, ये इसका कारखाना कहाँ है? तो ये अपने अलवर में, ठीक है। उसके बाद में आगे जो है टेलीफोन उद्योग पूछें, टेलीफोन उद्योग भी अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। आजकल तो टेलीफोन धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, मोबाइल उद्योग स्थापित हो रहे हैं। आयसर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर होता है आयसर कंपनी का, ये भी अपने अलवर में ही है, ठीक है। नोटों की स्याही पूछे, नोटों की स्याही कहाँ बनती है? तो राजस्थान में बनती है, तो अलवर में बनती है। राजस्थान में नोटों की स्याही कहाँ बनती है? अलवर में। वैसे होशंगाबाद मध्य प्रदेश में भी नोटों की स्याही बनती है, लेकिन नोटों की स्याही राजस्थान में कहाँ बनती है? तो बताएंगे अलवर में। होंडा सीएल कारखाना, तो होंडा सीएल कारखाना है, ये भी ध्यान रहे भिवाड़ी अलवर में है, अलवर में। ये कार है होंडा कंपनी की, हुंडई कंपनी, नाम सुना तो अपने हुंडई, वो होंडा सीएल की कार बनाने, जैसे बहुत सारी कारें आती हैं होंडा की, हुंडई जिसको बोलते हैं अपने, जैसे ईयोन वगैरह है, i20 है, ये कार जो फैक्ट्री है कहाँ पर है? अलवर में है। खेलकूद का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है? तो खेलकूद का सामान है हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध, हनुमानगढ़ में बनता है खेलकूद का सामान, हनुमानगढ़ आप बताइए यहाँ पर, हनुमानगढ़ खेलकूद का सामान के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा छत्ते, छत्ते आजकल बरसात हो रही है, अगर छत्ता चाहिए, छतरी जिसको बोलते हैं, तो ये छतरी सोदत की प्रसिद्ध है, सोदत पाली, पाली में छत्ते बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं सोदत पाली में, वहीं पर मेहंदी प्रसिद्ध है और वहीं की। और अगर पूछ रहे तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है, तलवार, तलवार सिरोही की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही। जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, तब शेरशाह सूरी ने विपक्षी जो पार्टी है उससे तलवारें लेने के लिए, सिरोही की तलवारें खरीदने के लिए 10,000 रुपये खेमे में भेजे थे, और फिर वो मालदेव है उसको, उसने सोचा कहीं धोखा न हो जाए, वो अपनी सेना छोड़ करके चला गया था। तो इस प्रकार से फिर बाद में सैनिकों ने और बड़े ज़बरदस्त लड़ाई की थी, तब जा कर के शेरशाह सूरी बचता, मतलब हारता हारता बचा था, तब उसके मुंह से निकला था इस जीत के बारे में कि मैं हिंदुस्तान के बादशाह को बैठता मुट्ठी भर बाजरे के लिए। तो वो था पाइबा साहिबा का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, तो तलवार आपको बताया सिरोही की प्रसिद्ध है। इस प्रकार से अपना उद्योग पार्ट 6 पूरा हुआ। राजस्थान का जीके है वो सारी की सारी लगभग पूरी हो गई है, यानी कि भूगोल और इकोनॉमिक से टॉपिक संबंधित। आगे आप देखते हैं इंडिया की ज्योग्राफी से संबंधित अब टॉपिक लेकर के आएंगे आगे। तो धन्यवाद सबको, ओके।